पर जाना है और एक एप्लीकेशन बेसिक सी बना लेनी है। तो मैं एक एप्लीकेशन बना लेता हूँ, यहाँ पर एड आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऐप नेम, आप जैसा कि जानते हैं मैं हमेशा हाई सीपीसी कीवर्ड्स यहाँ पर डालता हूँ, जिससे कि मेरी जो एप्लीकेशन है उस पर अच्छे खासे एप्स सीपीसी के आए। तो ये हो गया और एंड्रॉयड की है। जल्दी जल्दी मैं आपको बताता जाता हूँ, पूरा वीडियो एंड तक देखना, तो हर चीज मैं समझाऊंगा। तो क्रिएट आईडी करनी है मुझे, कौन कौन से चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, इंटरस्टीशियल। और यहाँ पर भी आप देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, और ये बन गई। अब देखो यहाँ पर मैं इनफेक्ट कॉन्फिगर करने वाला हूँ, तो ये डन हो गया। हाँ तो आप देखो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर मैं इसमें कैप लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कैप कैसे लगाएंगे, इस पर आ जाओ आप, और यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स में, और ECPM फ्लोरिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रिक्वेंसी कैपिंग पे आ जाना है। बेसिकली यहाँ पर आपको दिख जाएगा फ्रिक्वेंसी कैपिंग, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सो नो मोर देन कितने, मैं 5 इंप्रेशन से ज्यादा नहीं दूंगा, क्या पता कि यूजर ज्यादा क्लिक कर दे, नहीं तो मैं 2 ही इंप्रेशन देने वाला हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 इंप्रेशन एक यूजर के लिए। और एंटर पर यूजर पर कितने मिनट्स में, मिनट्स नहीं मैं दूंगा इससे, डेज में, तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 क्लिक हो सके इतना ही मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि अगर ज्यादा आ गया, क्लिक्स ज्यादा आ गए, तो मेरा जो एडसेंस है वो सस्पेंड हो जाएगा, इसलिए ये मैंने सेटिंग कर दी है पहले से। तो बस इसलिए मैंने ये आपको दिखाया था कि आपको ये समझा दूं कि यहाँ पर ये आप कुछ सेट कर देना है, ये अपने जी उसमें एडमो अकाउंट में कर दीजिए। और चलिए एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये खुल के आज की एप्लीकेशन मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ एपी बिल्डर को थंकेबल से, क्योंकि इसकी जो API है वो आपको 26 मिलती है, जबकि वहाँ पर 24 या फिर 21 देते हैं, तो उसकी ख़राब API है, इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, तो आप इसी पर बनाइए कीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया। तो API का फॉर्म होता है एंड्रॉइड प्रोटोकॉल इंटरफेस, तो आप जान सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा अगर जानना चाहें। तो यहाँ पर आप मैं क्या करने वाला हूँ, मेन स्क्रीन पर एक लगाऊंगा, क्या एक इमेज लगाता हूँ। तो यहाँ पर ये एक इमेज लग चुकी है, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और लगाने वाला हूँ, यहाँ पर एक टाइमर लगाने वाला हूँ बेसिकली। हाँ तो यहाँ पर ये आ गया क्लॉक और टाइमर इंटरवल, टाइमर इनेबल्ड। हाँ तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया, टाइमर ऑलवेज फर्स्ट पे टिक हटा देता हूँ मैं, और ये ब्लॉक्स में जाता हूँ और क्या करता हूँ, जैसे ही हाँ ये आ रही है ये क्लॉक, और ये वैन क्लॉक वन टाइमर। तो डू क्या करे कि नई स्क्रीन खोल दे मेरे लिए एक, और जो कि होगी स्क्रीन नंबर 2, अभी जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसका नाम हम देंगे स्क्रीन 2, तो यहाँ पर पहले से लिख दे रहे हैं, और ये टेक्स्ट, और इसे क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे यहाँ पर। तो अब चलते हैं डिजाइन सेक्शन में, और एक और स्क्रीन बनाते हैं, और उस स्क्रीन का नाम क्या होगा, स्क्रीन 2, ठीक है। तो ये स्क्रीन बन चुकी है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ, अच्छा से लगेगा जो, जिससे देखने में यूजर थोड़ा इंटरेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने एक और बनाकर रखी है, और यहाँ तो जी यहाँ पर ये इमेज लग चुकी है पीछे। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बटन्स लगानी है कुछ ढेर सारी, तो यहाँ पर ये वाली लगेगी, और ये बीच में क्यों नहीं आ रही, अच्छा बैकग्राउंड के ऊपर लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बटन पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने कुछ ऐसा सेट कर दिया है, हाउ टू अर्न मनी गेट पेमेंट। तो पहली स्क्रीन में क्या होगा, हाउ टू अर्न कैसे करें उसके बारे में जानकारी होगी थोड़ी, और अर्न मनी और फिर गेट पेमेंट। तो चलिए एक और स्क्रीन ऐड कर लेते हैं, बेसिकली हमें 3 स्क्रीन की और जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं हाउ, ठीक है, हाउ टू अर्न पहली वाली स्क्रीन हो गई है, और तो इसमें क्या करेंगे हम, तो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, गो टू अर्न मनी देन वॉच एड्स एंड बैक देन क्लिक ऑन क्लिक एड एंड क्लिक ऑन द दैट एड दैट एड दैट
कैट इज सुइंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पर इससे बैक आएगा यूजर, फिर क्या करेगा, फिर जाएगा दूसरी वाली स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पर एक और स्क्रीन डाल दी है वॉच एड वाली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर क्लिक होगा तो आपका इंप्रेशन जो है CTR, इंप्रेशन CTR वो कंट्रोल हो जाएगा, CTR कंट्रोल हो जाएगा, जिससे कि आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। नहीं तो अगर डायरेक्टली यूजर आएगा और क्लिक कर देगा तो इससे तो आपका जो इंप्रेशन रेट है वो 50% हो जाएगा और डायरेक्टली बैन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये स्क्रीन लगा दी है और समझा दिया है कि क्या करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, दो सिर्फ लगाए थे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक और एड यूनिट जनरेट कर लेनी है जो कि होगी बैनर ऐड की, और यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं रखनी है। नहीं, 12 की है तो 12 की ही कैपिंग रख दीजिए। तो यहाँ पर आप जिस हिसाब से आपने ऐड लगाए हैं उतनी ही कैपिंग रखिए। तो मैंने यहाँ पर 12 ऐड लगाए हैं, आप 15 भी लगा सकते हैं, तो आपका अच्छी तरह कंट्रोल हो जाएगा। इससे ज़्यादा मत लगाइए क्योंकि नहीं तो लोड होने में दिक्कत होगी, या फिर अभी भी लोड होने में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, अगर 10 ऐड पर भी, तो आप 5 कम कर सकते हैं और उसे टुकड़ों में बांट सकते हैं और एक दो स्क्रीन और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन नहीं झेल पाती है इतनी ऐड्स। यहाँ पर इसमें जाना है, कैपिंग्स की करनी है आपको, एडवांस सेटिंग्स और गूगल ऑटोमेटिक रिफ्रेश, और लगता है मुझे यहाँ पर इसमें नहीं मिलेगी कैपिंग। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कर लेना है तो ये आपका अकाउंट ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पर ये वॉच ऐड सब कुछ हो चुका है, वॉच ऐड क्लिक ऐड यहाँ पर आप अपने हिसाब से लगा देना, जो कि होता है जब इंटरस्टिशियल ऐड वो इनिशियलाइज हो स्क्रीन और ऐड क्रिएट हो जाए। और दूसरी तीसरी स्क्रीन लगाई है क्लिक ऐड, यहाँ पर सिर्फ एक बैनर ऐड लगा दिया है मैंने, वो इंटरस्टिशियल ऐड लगा दिया है मैंने यहाँ पर। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब वन स्क्रीन को सेकंड से कर दिया था, अब इन तीनों को भी कर देते हैं। हाउ टू अर्न में जाएंगे और इसमें तीनों में लगा देते हैं हम। तो बटन वैन बटन वन क्लिक, तो क्या होना चाहिए, तो कंट्रोल ओपन अनदर स्क्रीन और स्क्रीन का नाम होगा, पहले से कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाली स्क्रीन का जो नाम है वो है हाउ, ठीक है, और जो दूसरी स्क्रीन का नाम है वो है क्लिक वॉच एड, दूसरी तीसरी का क्लिक एड। तो यहाँ पर हमें वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा कुछ, वॉच एड और क्लिक एड, ठीक है, और इसको थर्ड कर दीजिए। अब आपने एक चीज़ सोची होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको कैसे करनी है। तो ब्लॉग डिजाइनर में आइए और